इस वीडियो में मैं आपको विंडो कैसे बनाते हैं ये बनाना सिखाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि शेप टूल से रेक्टेंगल सेलेक्ट की और इधर हम इसे एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। ओके, अब क्या करते हैं कि इसका जो फिल है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक ये मैं बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा ये जो विंडो का बॉर्डर है ये सही तरह शो हो जाए। अब क्या करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी की इसकी और कंट्रोल शिफ्ट भी इधर पेस्ट कर दिया और इसका मैं अंदर जो इसके पार्टीशन होगी वो कर दूंगा। ये इसकी पार्टीशन इस तरह हो जाएगी। यहाँ तक ये एक पार्टीशन हो गया। अब क्या करता हूँ इसी को फिर मैंने कॉपी की और इधर ही पेस्ट कर दिया। इसको फिर मैंने ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ये हमारी ये तैयार हो गई, इसका बॉर्डर फ्रेम ये तैयार हो गया। अब क्या करता हूँ कि इसके जो बॉर्डर है इसके मैं कलर वगैरह को चेंज कर देता हूँ। अब वो इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका इधर से मैं कलर जाकर थोड़ा लाइट ये वाला कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके जो अंदर है ग्लॉसी इफेक्ट बनाने के लिए क्या करूँगा, इसके नीचे एक लेयर बनाता हूँ और इस लेयर का क्या करूँगा कि इस लेयर में हम ग्रेडियंट डाल देंगे। पहले क्या करते हैं, हम मार्की टूल से इधर रेक्टेंगल मार्की टूल से इधर एक रेक्टेंगल ड्रा की और इसके अंदर मैं अब ग्रेडियंट से कलर कर देता हूँ। इधर ग्रेडियंट के कलर से जाके आप इधर ब्लूज इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी यहाँ अपनी मर्ज़ी से जो भी है। मैं इधर से ही अभी एक सिलेक्ट करता हूँ, इधर इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल डी। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट डालने के लिए मैं करता हूँ इधर पेन टूल से ही बनाऊँगा और ये पैच टूल से इसको सिलेक्ट कर लिया और न्यू लेयर में इसके अंदर मैं एक ग्रेडियंट से थोड़ा इफेक्ट वाइट सा डाल देता हूँ। इधर से मैं कलर अपना चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह आगे भी ये हमारा ये इफ़ेक्ट इस तरह हम इसमें डालेंगे, इससे ज़रा हमारी जो विंडो है वो ज़रा शाइनी नज़र आएगी। कंट्रोल डी। अब क्या करते हैं कि इसका मैं ओपेसिटी सब इस लेयर की थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि हाँ अब देखें ये इसको मैंने इसकी लेयर की प्रॉपर्टी से जाके इसमें क्या कर दिया, इसे सॉफ्ट लाइट कर दिया। और अब क्या करता हूँ कि इसकी जो थोड़ी अब इसमें थोड़ा सा बैक का व्यू लाने के लिए भी क्या करता हूँ कि इसके पीछे एक लेयर बनाकर ब्लू के पीछे इसको थोड़ा डार्क रखूँगा। उसके अंदर कलर किया और क्या करता हूँ कि इसकी ओपेसिटी ब्लू की थोड़ी मैं कम कर देता हूँ। और पीछे थोड़ी सी बिल्डिंग्स का इफेक्ट देने के लिए इधर ही इसके एक नई लेयर बनाई और इसके ऊपर मैं एक बनाता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ डी किया। इससे हमारा ये पीछे से ये बिल्डिंग्स का इफ़ेक्ट जो है ये इस तरह नज़र आएगा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल जे से और इसे आगे पेस्ट कर देंगे। इसको हम इसके
छोटा कर देते हैं पहले वाली से थोड़ा। अब क्या करते हैं कि इसी ये दो जो हमने बनाई हैं इन दोनों को फिर कॉपी किया, कंट्रोल जे से, और इन्हें ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। अब ये थोड़ा पीछे से बिल्डिंग्स का जो इफेक्ट है वो इस तरह नज़र आएगा। अब क्या करता हूँ, इसके थोड़ा सा कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ। इस तरह हमारा ये एक विंडो का जो इनर वाला हिस्सा वो बन जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसका जो फ्रेम है इसमें थोड़े से शाइनिंग वगैरह करेंगे हम, तो आइए हम वो करते हैं। अब क्या करना है कि इसकी पहले थोड़ा नीचे फ्रेम के इधर ही हम एक बेस बनाते हैं। मार्की टूल से ही मैं इसकी बेस बना रहा हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा डार्क। इस ये वाला कलर लिया और इससे थोड़ा सा मैं डार्क इसमें कलर कर दूँगा। कलर्स में जाएंगे और इसके थोड़ा डार्क इसे लिया। ओके, और इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसको ऊपर इसके पेस्ट कर देता हूँ, और इसका मैं कलर थोड़ा लाइट कर दूंगा इसे। इसको सिलेक्ट किया और इसमें पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल स्पेस है, कंट्रोल डी। ये हमारा विंडो का फ्रेम ऑल अराउंड ऑल अबाउट तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, इनको मैं इनके इनर स्ट्रोक्स वगैरह डालने के लिए अब क्या करेंगे हम, इनको इन सब को जो बॉर्डर की हमने लेयर्स बनाई थी इन सबको इमर्ज कर देता हूँ। कंट्रोल ई से इन सबको इमर्ज कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं कि इधर इफेक्ट्स में जाकर इधर से इसके अंदर मैं इनर इधर से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन सब को मतलब कि बेवल इस तरह ये सारी चीज़ें इधर से मैं इनर ग्लो इसका डालूँगा। इसकी ओपेसिटी वगैरह आप इधर से सेट कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये वाला इफेक्ट बनेगा, और इन दोनों को भी मैं इमर्ज कर रहा हूँ, और इसके ऊपर भी मैं वही इफेक्ट डाल देता हूँ इनर ग्लो का। अब ये देखिए हमारी ये विंडो ऑलमोस्ट तैयार हो गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।